माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी चीज हम और बहन आशा लकड़ा जाके बताएंगे कि किस तरह तालाब के अंदर मिट्टी जमा हो रही है, मिट्टी तालाब में जा रही है और तालाब छोटा हो रहा है। जुटकों को देखना होगा, ये जुटकों की जिम्मेदारी है। कैसे कैसे कचरा फेंक रहे हो, कैसे कचरा तालाब में जा रहा है, अभी भी देखो आके वो वहां से उठा के नीचे फेंक दे रहा है। इसमें हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, शिकायत करेंगे। काफी स्लो वर्क हो रहा है, रेनी सीजन आ जाएगा तो फिर आपका जो जितना मड उठाए वो तो आपको लेट में चल जाएगा, तो फिर नहीं नहीं हम अब हमारे मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा है, मुख्यमंत्री जी से हम शिकायत करेंगे, उनकी स्थिति बताएंगे क्या स्थिति है। इसमें डेडलाइन क्या करना है भैया, करना है, जनता सजग है। सर पिस्का मोड़ वाले भी 10 तारीख का डेडलाइन है, 6 तारीख हो चुकी है, आज रात से शुरू हो जा रहा है। देखिए रांची में जब तालाब ऐसे पड़े थे तो कई लोग उसमें गिरते थे, किसी का जान जाता था और कभी ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और एक सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से आप छठ व्रती को देखिए, चाहे किसी का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर अंतिम यात्रा में रहते हैं, चाहे जन्म होता है तो छठी कर्म जन्म से लेकर मृत्यु तक का कार्यक्रम तालाब में होते थे और उनको तालाब में घुसने में बहुत दिक्कत होता था। इस दृष्टिकोण से हम लोग ने सौंदर्यीकरण किया। आपने देखा होगा इस बार छठ में इतने तालाब हो गए कि लोगों के लिए तालाब ही खाली पड़ गया, लोग कम पड़ गए, तो ये स्थिति रहा। इस दृष्टिकोण से हम लोग ने किया है, बस इतना ही है कि जो पहले नाला का पानी घुसता था उसको रोक लगी है। अब उस पानी को कैसे हम घुसा पाएंगे इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं और अभी बरसात से पहले प्रत्येक तालाब में पानी घुसेगा और तालाब का पानी नहीं सूखेगा। एक उदाहरण के लिए आप देखेंगे, आप हरमू जाते के समय शाहजानंद चौक के पास में बाउंड्री के अंदर में जो तालाब है उसमें हम लोग रोड का पानी को चेक करके अंदर घुसाने का काम किए हैं ताकि वहाँ पानी रह सकेगा। ऐसे ही योजना प्रत्येक तालाब में होगा ताकि जो बाहर का बरसात का पानी है तालाब में घुस सकेगा और तालाब बच सकेगा।